हेलो गाइस, माय नेम इज दीप और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आर 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 के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट जिसके बारे में सुनकर आपके लिटरली होश उड़ जाएंगे। आर आर अभी तक की बहुत ज्यादा मोस्ट अवेटेड मूवी है और कल मैंने बुक माई शो में देखा कि आखिर क्या सीन चल रहा है। 1 मिलियन लाइक्स ऑलरेडी। इस बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी के लिए लोग कितने ही ज्यादा पागल हैं और अपने भी टिकट बुक कर लिया है इसकी, तो बहुत ही जल्दी रिव्यू मिलेगा आपको इसका। अब हम लोग बात करते हैं आर आर के फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, आर 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 मूवी अभी तक की सबसे ज्यादा पोस्टपोन होने वाली मूवी बन चुकी है, क्योंकि सबसे पहले RRR मूवी रिलीज होने वाली थी 30 जुलाई 2020 को, फिर आता है कोविड और इसको टाल दिया जाता है। और जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है आपको न्यू डेट मिलती है 7 जनवरी को, पर फिर कोविड आ जाता है। बट फाइनली आपको 25 मार्च यानी कि कल ये मूवी थिएटर्स में मिलने वाली है। सेकंड फैक्ट, ये मूवी इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा बिग बजट मूवी होने वाली है, जहां पर इसका बजट है करीब 400 करोड़, और अभी तक की सबसे महंगी मूवी का नाम है रोबोट 2.0 जिसका बजट करीब 508 करोड़ था। थर्ड फैक्ट, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देखा होगा, जहां पर मैंने थंबनेल में यूज किया था द मोटरसाइकिल डायरीज के बारे में, तो 2019 में राजा मौली ने रिवील्ड किया था कि उनको इस मूवी का कोर आइडिया इसी मूवी से आया था, जिसकी झलक आप ट्रेलर में बाइक वाली सीन से देख सकते हैं। फोर्थ फैक्ट, मेनली जो सारी मूवीज की डबिंग होती है वो होती है स्टूडियोज में, बट इस मूवी की जो डबिंग है वो रामा राव और चरण ने अपने घर में की थी। फिफ्थ फैक्ट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, जो तमिल की मूवीज होती है उनकी हिंदी डबिंग के लिए किसी और आर्टिस्ट को हायर किया जाता है, बट इस मूवी में ऐसा नहीं होने वाला है, आपको मेन एक्टर्स की आवाज मिलने वाली है इस मूवी में। सिक्स्थ फैक्ट, आपको इस मूवी में जो जूनियर एनटीआर और रामचरण जिनका रोल करने वाले हैं वो रियल लाइफ बेस्ड कैरेक्टर्स हैं, जहां पर जूनियर एनटीआर रोल करने वाले हैं कोमाराम भीम का, वही रामचरण रोल करने वाले हैं सीतारमन राजू का, और दोनों के दोनों अपने टाइम के फ्रीडम फाइटर्स थे। बट एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, इनके जो कैरेक्टर है उनसे इंस्पायर्ड है, बट स्टोरी बिल्कुल ही अलग होने वाली है। सेवंथ फैक्ट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो राजा मौली की मूवीज होती है उसमें बहुत ही ज्यादा रिसर्च और बहुत ही ज्यादा डिटेल्स होती है, तो मूवीज के एक्टर्स कैसे पीछे रहने वाले थे। एक इंटरव्यू में रामा राव ने बताया कि उन्होंने अपने कैरेक्टर के रिसर्च और उनको पोर्ट्रे करने के लिए स्क्रीन पर और कैरेक्टर्स के जैसे फिजिकल अपीयरेंस पाने के लिए 18 मंथ की तगड़ी ट्रेनिंग करी है। ये सभी जानने के बाद उन कैरेक्टर्स को स्क्रीन पर देखना अलग ही एक्सपीरियंस होगा। आठवां फैक्ट, इस मूवी को शूट करने के लिए कोई नॉर्मल कैमरे का यूज नहीं किया गया है, इसमें कुछ एरी एलेक्सा और एरी सिग्नेचर नाम के कैमरे को यूज किया गया है। मेनली उनको लेंस की कैटेगरीज में रखा जाता है और जो इनकी कीमत होती है वो नियर टू 1 करोड़ होती है, मतलब कि आप सभी लोग को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस मूवी में। नौवां फैक्ट, 2019 में जब इस मूवी के एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग की जा रही थी, उस एक एक्शन सीक्वेंस के लिए 1000 आर्टिस्ट ने काम किया था, मतलब कि 1000 लोगों को बस स्क्रीन में इमेजिन करना ही बहुत बड़ी बात है। 10वां फैक्ट, तो मूवी का ट्रेलर देखने के बाद समझ में आता है आपको बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस मिलने वाले हैं इस मूवी में। तो रामचरण और जूनियर एनटीआर जब इस मूवी की शूटिंग कर रहे थे उनको इंजुरीज का सामना करना पड़ा, इसका रिजल्ट ये होता है कि पूरी मूवी की टीम ने इसके शूटिंग वाले शेड्यूल से ब्रेक लिया और जैसे ही उन लोग रिकवर हुए उन्होंने तुरंत ही अपने एक्शन सीक्वेंस को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया 2000 जूनियर आर्टिस्ट के साथ, और इस एक्शन सीक्वेंस की कॉस्ट करीब 45 करोड़ थी। 11वां फैक्ट, जो कि लिटरली आपको हैरान कर देगा, तो जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि किसी मूवी को हिट होने के लिए उसके बजट से काफी ज्यादा पैसे कमाने होते हैं, काफी ज्यादा नहीं तो पर थोड़े ज्यादा तो कमाने ही पड़ते हैं। इस मूवी का बजट है करीब 400 करोड़, जिसको देखने के बाद समझ में आता है कि भाई ये मूवी फ्लॉप होगी या हिट, बट आप सभी लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि मूवी रिलीज होने से पहले ही हिट नहीं हुई है, सुपर हिट हुई है, जहां पर इस मूवी के ऑडियो राइट्स ही सिर्फ 25 करोड़ में बिके हैं और कुल मिला के जितने भी राइट्स हैं उन सभी को कवर किया जाए तो इस मूवी ने अभी तक 890 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, और ये एक तरीके से हिस्ट्री है। और मुझे तो पर्सनली लगता है ये मूवी कम से कम 1000 करोड़ का तो बिजनेस करने ही वाली है, 890 करोड़ को साइड में रखकर। और कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बताना कि ये मूवी कितने का बिजनेस करने वाली है। लास्ट फैक्ट है, आपको इस मूवी में बहुत सारे हॉलीवुड एक्टर्स मिलने वाले हैं और इस मूवी में जो रेस टीवी एक्टर है उन्होंने तो थॉर में भी काम किया है। भाई ये मूवी कतई जहर होने वाली है, बिल्कुल मत छोड़ना, और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।